कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू पटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू पटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहे। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।